एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बाय 5। एक्स माइनस इसको हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, 5 की x के साथ और माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई की, ये करने के बाद 5x माइनस 25 आ गया, ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ की, ये 3x माइनस 9 आ गया, 5x माइनस 3x 2x और इसको फिर माइनस किया तो प्लस के 16। x इज इक्वल टू 16 बाय 2 से इसको डिवाइड किया 8, x की वैल्यू 8 आ गई हमारी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3t माइनस 2 बाय 4 माइनस 2t माइनस 3 बाय 3 इज इक्वल टू 2 बाय 3 माइनस t। अब इसको t को हम माइनस t को इधर ले आए, इज इक्वल टू में 2 बाय 3 रखा, इसको रखने के बाद फिर एलसीएम ले लिया, 12 हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया, 13t माइनस 18 बाय 12 आ गया इज इक्वल टू 2 बाय 3 के इक्वल। अब इसको सॉल्व किया हमने, या तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लो या फिर इसको इधर जो डिवाइड में था वो उधर मल्टीप्लाई में जाके कैंसिल हो गया, 2 4 8 के इक्वल आ गया 30t माइनस 18, 13t इज इक्वल टू 8 प्लस 18, 13t इज इक्वल टू 26। अब t की वैल्यू निकालनी है, 26 बाय 13t इज इक्वल टू 2। अब सिक्स क्वेश्चन, m माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 बाय 3, इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेके इधर वाले का एलसीएम इधर ले लिया और राइट साइड का एलसीएम राइट साइड ले लिया, यहाँ 2 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम आने के बाद 2m माइनस m इसमें से माइनस हो गया, m प्लस 1 आ गया हमारा, ऐसे ही इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 5 माइनस m इज इक्वल टू 3 आ गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व किया, 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2m और 3m इधर माइनस 2m इधर आ गए प्लस के 2m और इज इक्वल टू 10 माइनस इधर जाके 3 माइनस के, 5m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7।